इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको कॉलिंग में कोई दिक्कत आती है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए यहाँ से आपको जो है मिनिमाइज आ जाना है और आपको जो है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। तो फ़ोन की सेटिंग्स में हम चलते हैं। सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस में जाना है। सियाल ऐप्स को खोल लेना है और यहाँ पर टर्म्स एप्लीकेशन को फाइंड कर लेना है। इसे खोल लेना है, फोर्स स्टॉप कर देना है और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल डेटा एंड वाईफाई पर जाना है। बैकग्राउंड में डेटा को स्टार्ट कर देना है, अनरिस्ट्रिक्टेड डेटा को बताते रहने देना है, फिर बैक लाना है और यहाँ पर परमिशंस में आप जो है कैमरा, माइक्रोफोन और टेलीफोन इन तीनों की परमिशन को स्टार्ट ज़रूर रखिएगा। फिर बैक लाइएगा और यहाँ पर सिस्टम में जाइएगा, डेट एंड टाइम पर जाइएगा, यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडेड पर टिक करके लगा दीजिएगा। टाइम जोन अगर आपको दिखाई दे तो उस पर भी टिक करके लगा दीजिए। फिर बैक लाइए और अपने जो है प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर टर्म्स एप्लीकेशन को सर्च कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो अगर यहाँ पर आपको अपडेट दिखाई दे रहा होगा तो अपडेट कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है इसका, बस अपने फ़ोन को बंद करके खोल लीजिएगा। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।